सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाता है। आज का पंचांग 27 जून 2020 दिन शनिवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 2:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 10:11 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:02 से 10:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:51 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 27 जून 2020 दिन शनिवार, रोमांस में ही कुछ समस्याएं अभी आपको अकेला और तनहा महसूस कराने का कारण बन सकती है। अगर जरूरी हो तो अपने सेहत और व्यावसायिक जीवन को प्राथमिकता देने के लिए ब्रेक लें। आपके प्रयासों और प्रतिभा को पहचान मिल रही है। रैंक में विश्वास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाएं। अपने अनुभव और तर्क संगत को बढ़ाएं। इससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। इंसान की किस्मत उसके हाथ में नहीं होती पर उसके निर्णय उसी के हाथ में होते हैं। आज आशा के अनुरूप कोई काम होने से मन में प्रसन्नता रहेगी और आप जिस काम को करने की सोच रहे थे वह सुचारू रूप से पूर्ण होगा। राजकीय कार्यों में भी सफलता का योग बना हुआ है। आज आपके लिए किसी बड़े आइडियाज पर काम करने का हो सकता है। आप अपने लिए किसी बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं। आपके लिए समय किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात का भी है जो आपके भविष्य में एक विशेष स्थान रखता है। आपको अपने लोगों के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कतराना नहीं चाहिए। अगर माइग्रेन जैसी कोई समस्या है तो आपको सावधान रहना चाहिए। सावधानियां, भाइयों से किसी प्रकार का बंटवारा संबंधित विवाद चल रहा है तो किसी के बीच में आने से वह निपट सकता है। किसी पर अधिक भरोसा या विश्वास भी नुकसानदायक हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो रोमांस में समस्याएं आपके रिश्ते में दूरियां ला सकती हैं। गलतफहमियां होना बहुत ही सामान्य है, बस उन्हें जल्दी दूर कर लें। आप जानते हैं आपके साथी को आपकी फिक्र है और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है। दोस्तों और भाई बहन की कंपनी आपको राहत पहुंचाएगी। अब वो पल आ चुका है जब आप सही समय पर सही निर्णय लेना है। आज आप जो चाहेंगे वही पाएंगे। अपने स्पेशल दोस्त के साथ बैठकर भविष्य की बात करने से अधिक रोमांटिक और क्या हो सकता है। बस एक दूसरे पर पूरा विश्वास करें ताकि लाख मुसीबतों के बाद भी आपका यह संबंध ना टूटे। करियर की बात करें तो आज के दिन आपके पेशे और धन लाभ दोनों के लिए अच्छा है। आपकी प्रबंधकीय क्षमता की प्रसिद्धि के कारण आपको नए ऑफर मिलेंगे। अपने कार्य और कौशल का मूल्यांकन करने के बाद आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। याद रखें, अपने सपनों का अनुसरण करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। किस्मत आज आप पर मेहरबान है, इसीलिए आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आज पूरी मेहनत करें। जो लोग रत्नों और गहनों के व्यापार से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आज का दिन खास तौर पर शुभ है। ध्यान रहे, अपने समय और संसाधनों का सही से उपयोग करें।
सेहत की बात करें तो आज आपको शांत दिखेंगे, परंतु अंदर से आप परेशान हैं। दिमागी तनाव और ज्यादा रहेगा, इसलिए आज शांति के लिए दोस्तों और घर वालों के साथ समय बिताएं। आप जल्दी ही कुछ अच्छा महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी की आराधना करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।